ॐ नमः शिवाय 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 गुरु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवै नमः करारविन्देन परामृशन्तम् पद्माक्षमालामशिवरूपिणन्तम् पीताम्बराध्याननिमग्नचित्तम् श्रीस्वामिनं राष्ट्रगुरुं स्मरामि ॐ गुं गुरुभ्यो नमः ॐ श्रीगणेशाय नमः शिवाय आज हम चौसठ योगिनी की पूजा और हवन की विधि के बारे में यहां चर्चा करेंगे और चौसठ योगिनी की पूजा के बगैर कोई भी पूजा सफल नहीं होती कोई भी तंत्र सफल नहीं होता अनुष्ठान सफल नहीं होता यज्ञ हवन कुछ भी चीज हो तंत्र मंत्र यंत्र या फिर साधारण पूजा ही क्यों ना हो या साधारण पूजा आचार्य द्वारा कराई जाने वाली हो जब तक चौसठ योगिनियों का पूजन नहीं किया जाएगा चौसठ योगिनियों को पूजा नहीं जाता तब तक कोई भी पूजा सफल नहीं होती फलप्रद नहीं रहती इसीलिए हमारी आज की इस चर्चा का विषय चौसठ योगिनी पूजा से संबंधित है और आज हम चौसठ योगिनी पूजा का विधि का वर्णन करेंगे अन्य शेष चीजें पूजा से संबंधित हवन से संबंधित तंत्र से संबंधित हमारी सब पुरानी कैसेटों और सीडीओ में आ चुकी हैं जो अंश हैं उनमें से कुछ को दोहराएंगे शेष अंश कृपया हमारी अन्य सीडी या कैसेटों में देखें सर्वप्रथम हम यहां वस्त्र धारण विधि के मनुष्य को वस्त्र धारण करने की विधि क्या शास्त्रीय तौर पर वर्णित है उसका वर्णन करेंगे गीले वस्त्र को नदी के तट पर नीचे से उतारना चाहिए किंतु घर पर ऊपर से उतारे वस्त्र को चौगुना करके निचोड़ना चाहिए इसे बाईं ओर से रखकर जल से बाहर दो बार आचमन करें निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर रखना मना है पूर्व दिशा से प्रारंभ कर पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर वस्त्र फैलाना चाहिए इसके विपरीत फैलाने से वस्त्र अशुद्ध हो जाता है और उसका फिर से धोना आवश्यक हो जाता है जल में सूखे वस्त्र से और स्थल में गीले वस्त्र से पूजा निषिद्ध है नहीं करना चाहिए और यही एक ऐसा अवशेष इसमें बचा है पूरे सभी स्थानों पर वस्त्र को जल में न निचुड़े तो ये वस्त्र संबंधी सूत्र है सिद्ध नहीं कर लेते धोती इस प्रकार पहननी चाहिए इसमें तीन कच्छ यानी तीन लांग लगाई जाए एक लांग पीछे की ओर लगाई जाती है दूसरी नाभि के पास और तीसरी इससे बाई हो यानी कि चादर या गमछा अवश्य धारण करना चाहिए इस संबंध में शास्त्र का ये विधान है और इस विधान का पालन करना चाहिए टूरिस्ट हमारे साथ जी इनका यह है हमारी पूर्व की सारी में और सिखाया जाता था उसके बाद जो लोग आते हैं तंत्र मंत्र को सीखते हैं और तंत्र मंत्र की सिद्धि पूरी नहीं होती जब तक वो यहाँ आकर इस इसबली में इसलिंग जो, जो है और रेशम का आसन ये जो मूर्ति योग देख सकते हैं निर्धारित यहाँ पर ग्यारह योगनियाँ बनी हुई है इसके साथ साथ बीच में भगवान शिव की यहाँ पर इसका उपयोग तो जब जो है तंत्र मंत्र पाशु इन सब में करना चाहिए लोगों की भी आस्था है बांस मिट्टी पत्थर की पूजा करने के लिए तरण पत्ते गोबर पलाश पीपल लोगों की मान्यता है कि जो मुराद कभी और जिसमें लोहे तो की कील की लगी हो ऐसे आसन पर न बैठे पुत्रवान गृहस्थ के परेसा लिए मृग चरम पर बैठना है जैसा हमने किस तरह इस संबंध में जो सूत्र है क्या कुछ देखने को मिला श्लोक है इस प्रकार से जानने के लिए हमारे साथ कुछ मौजूद कम्बलम स्य अलिनम पट्टमेवच दारु जम तालपत्रम वा आसनम परिकल्पयेत वंशाशने तु दारिद्र्यम पाशाणे व्यादिरेवज धरण्याम तु भवेद् दुःखम दारभाग्यम छिद्र दारुजि तृणे धन सोहाने पल्ल चित्त विभ्रम गोश भिन्नम तथापल लोहबद्धम सदैवा क्य वर्यदा बुद मृग चर्म प्रयत्न वर्य पुत्रन ग्रही इस प्रकार से ये सूत्र है और अब जो मुख्य बात है जो हमारी देवी से असर नाम पीताम्रा तंत्रम बगुलामुखी हवन पद्धति तथा देवी स्तोत्र आदि कई सीडी के सीटों में ये चीजें आ चुकी हैं इसको मैं यहाँ हम पुनः उल्लेखित करना चाहेंगे जिससे कि लोग अवश्य रूप से ध्यान रखें हर देवी देवता की पूजा उपासना तंत्र मंत्र आदि में मुद्राओं का विशेष महत्व है विशेष प्रावधान है और किसी भी देवी देवता की पूजा उपासना अनुष्ठान तंत्र मंत्र आदि के लिए मुद्राएं निर्धारित हैं और उन्हीं मुद्राओं के द्वारा उनका पूजन या जाप करते वक्त और करने के पश्चात अलग अलग निर्धारित है जैसे उदाहरण के लिए हम दें तो कुल मुद्राएं चौबीस होती हैं। तो काली कुल के जो साधक हैं या जो महाकाली का पूजन करते हैं महाविद्या का पूजन करते हैं या माँ विद्या की उपासना अर्चना करते हैं उनको पूरी चौबीस मुद्राएं क्योंकि काली के पूजन में तंत्र में संपूर्ण चौबीस मुद्राओं का प्रदर्शन आवश्यक है तो इस संबंध में हम उन चौबीस मुद्राओं का वर्णन यहां कर रहे हैं सुमुखम संपुटम चैव वेततम विस्तृत तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पञ्चमुखम तथा षणमुखा अधोमुखम चैव व्यापका अंजालिकम तथा शकटम यम च ग्रथितम चोन्मुखो मुखम प्रलंबम मुष्टिके चय मत्स्य कूर्मो वराहकम सिंघाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्रा चतुर्विश पादाऊ ये चौबीस मुद्राएं होती हैं और ये चौबीस मुद्राओं का श्लोक है और तो इन चौबीस मुद्राओं संक्षिप्त में मैं नाम बता देता हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुमुखम संपुटम विस्तृतम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षणमुखम अधोमुखम व्यापका अंजलिकम, शकटम यम पाशम ग्रथितम उन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम मत्स्य कूर्म इस प्रकार से आपकी क्रांतम और महाक्रांतम बराहकम मुद्गरम पल्लव ये चौबीस कुल मुद्राएं हैं तो महाविद्या में तो अधिकतर मुद्राओं का प्रयोग पूर्ण पूरी तरह आवश्यक है इसमें से काली के लिए तो जो कि महाविद्या है पूरी चौबीस मुद्राओं का उपयोग करना पड़ता है उनके जाप में मंत्र में या पूजा में अब जाप के उपरांत जो आठ मुद्राएं हैं अब उन आठ मुद्राओं का हम यहां वर्णन करेंगे तो जाप के उपरांत यानी पूजा के उपरांत जो आठ मुद्राएं दिखाई जाएंगी जिनका प्रदर्शन आवश्यक है वे इस प्रकार से हैं सुरभिर ज्ञान वैराग्य योनि शंखो अय पंकजम लिंग निर्वाण मुद्राश जपानते अष्टऊ प्रदर्शित यानी जो आठ मुद्राएं दिखाई जाएंगी पूजन के बाद या मंत्र जाप के बाद वे हैं सुरभि ज्ञानम वैराग्यम योनि मुद्रा शंख मुद्रा पंकजम लिंगम और निर्वाणम ये आठ मुद्राएं है पूजा के बाद या तंत्र के बाद दिखाना अनिवार्य है प्रदक्षिणा का मंत्र तो वैसे कई बार हर कैसेट में या सीडी में आ चुका है लेकिन यहां पर फिर से बता देता हूं आपको ज्ञान कान छापान जन्मांतर करता सर्वाण्य चंतु प्रदक्षिण पदे पदे इस मंत्र के साथ में किसी भी देवता की या देवी की प्रदक्षिणा करना चाहिए अब चूंकि पंच महायज्ञ सबके लिए नित्य आवश्यक है और ये विधि पहले हमारी पूर्व कैसेटों में आ चुकी है और सीडी में आ चुकी है इसलिए इसका दोबारा से उल्लेख नहीं कर रहे अन्य चीजें भी आ चुकी हैं और मैं आपको पंचदेव के बारे में बताता हूं यह हमारी शिव तंत्रम कैसी में भी आ, सक आ चुकी है और गणेश तंत्रम तथा ऋण हरकता ऋण निवारक हैं लेकिन यहां उल्लेख आवश्यक है इसलिए इसका उल्लेख हम पुनः कर रहे हैं। पंचदेव किसको कहते हैं आदित्यम गणनाथम चेवीं रुद्रम च केशवम पंचदेवत्य में सर्व कर्मस पूजित सूर्य गणेश दुर्गा शिव विष्णु ये पंचदेव कहे गए इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए कल्याण चाहने वाले ग्रस्त एक ही मूर्ति की ही पूजा न करें अनेक देव मूर्तियों की पूजा करना चाहिए इससे कामना पूरी होती है लेकिन हमेशा एक शर्त है उसको स्मरण रखना चाहिए हमारे शास्त्र कुछ चीजों का निषेध करते हैं ग्रहे लिंग दश्यम गणेश तथा शंखद्वयम तथा सूर्यो नार्यो शक्ति तथा द्वे चक्रे द्वारिकायास्त शालग्राम शिला तेजा तो पूजन नगम प्राप्त ग्रही यानी घर में दो शिवलिंग नहीं होना चाहिए तीन गणेश की प्रतिमाएं नहीं होना चाहिए दो शंख नहीं होना चाहिए दो सूर्य तीन दुर्गा की मूर्तियां दो गोमती चक्र और दो शालग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को उद्वेग और उपद्रवों की प्राप्ति होती है अतः इस संख्या में इन मूर्तियों को घर में न रखें। दूसरा जो सूत्र है शालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते शालग्राम में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती बाणलिंगान राजेंद्र ख्या भुवन त्रय न प्रतिष्ठा न संस्कार स्तृ न आव तथा यानी लिंग जो कि तीनों लोकों में विख्यात है उसके बारे में ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक है बाणलिंगान राजेंद्र ख्या भुवनत्रये न प्रतिष्ठा न संस्कार स्तेशा न आवाहनम तथा बाणलिंग तीनों लोकों में विख्यात है उसकी प्राण प्रतिष्ठा संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता उसकी पूजा सीधे ही की जाती है और बाणलिंग अपना खुद का न हो अपने पास न हो तो दूसरे का मांग करके भी पूजा जा सकता है और घर में कौन सी मूर्तियां नहीं होने चाहिए शैलिम दारुमयी हेमिम दात्वादाकर संभवाम प्रतिष्ठाम वाय प्रकूरवीत प्रासादे वा ग्रहे पत्थर काट सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर पर या मंदिर में करना चाहिए ग्रहे चलार्चा, विज्ञे प्रासादे स्थिर संज्ञिका इतना कथिता मार्गा मुनिवे कर्मवादिवे घर में चल प्रतिष्ठा और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए यह शास्त्रों का और ज्ञानियों का मत अब हम आपको पंचोपचार पूजा के बारे में बताते हैं पंचोपचार में जो पांच चीजें प्रयोग की जाती हैं और दसोपचार और सोलह उपचार इसको पंचोपचार दसोपचार या षोडशोपचार पूजा कहा जाता है तो पंचोपचार में ये सब चीजें हमारी शिव तंत्रम और अन्य सी डी कैसीटो में पहले आ चुकी हैं, लेकिन चूंकि विषय ऐसा है योगिनी पूजा का कि इनका उल्लेख आवश्यक है इसलिए हम यहाँ इनका उल्लेख कर रहे हैं पांच उपचार हैं: गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य ये पांच चीजों से जो पूजा की जाती है उसे हम पंचोपचार पूजा हैं दसोपचार पूजा में दस चीजें आती हैं इसमें होता है पाद्य आर्य आचमन स्नान वस्त्र निवेदन गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य ये दस चीजें दशोपचार पूजा में आती हैं। इन दस चीजों से जो पूजा की जाती है उसे दशोपचार पूजा कहते हैं आप षोडशोपचार पूजा की बात करते हैं इसमें सोलह चीजें आती इन सोलह चीजा के सोलह चीजों के बगैर छोटे शोपचार पूजा नहीं होती है। ये सोलह चीजें हैं पाद्य, आचमन, स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन तांबूल स्तौपाठ तर्पण और नमस्कार ये आपकी षोडशोपचार पूजा है इसके बाद में हमें सीधे चौसठ योगनी पूजा पर आते हैं तो चौसठ योगनी की जो पूजा की जाती है दरअसल जो षोडश मात्र का किसी भी पूजा अनुष्ठान साधारण पूजा हवन तंत्र मंत्र यंत्र आदि में बनाना आवश्यक है और जो षोडश मात्र का रहती हैं उन्हीं में ही चौसठ योगिनी की पूजा की जाती है तो आप यहां जानेंगे कि चौंसठ योगिनी के चौंसठ नाम क्या हैं कौन कौन सी योगिनियां हैं और उनके हवन के मंत्र क्या हैं और उनकी हवन की पद्धति क्या है जो कि हर पूजा में हर अनुष्ठान में हर उपासना में साधारण हो या तंत्र मंत्र संबंधी हो करना अनिवार्य है तो चौसठ योगिनी की जो पूजा है वो षोडश मात्र का पूजन में ही की जाती है इन्हीं षोडश मात्र का के अंदर ही चौसठ योगिनियों की स्थापना मान्य व स्वीकृत की जाती है षोडश मातृकाओं की स्थापना के लिए पूजक दाहिनी ओर पांच खड़ी पाइयों और पांच खड़ी पाइयों का चौकोर मंडल बनाए। इस प्रकार सोलह कोष्ठक बन जाएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर मातृकाओं का आवाहन और स्थापन करें। कोष्टकों में रक्त चावल यानी लाल रोली इत्यादि से कुमकुमार से रंगे हुए चावल गेहूं या जौ रख दे पहले कोष्टक में गौरी का आह्वान होता है अतः गौरी के आह्वान के पूर्व गणेश का भी आह्वान पुष्पाक्षतों द्वारा इसी में करें। इसी प्रकार अन्य कोष्टकों में भी मंत्र पढ़ते हुए आह्वान करें ये मंत्र आदि सब हमारी अन्य कैसेटों में और उनमें आ चुके हैं इसका उन्हें उल्लेख या हम नहीं कर रहे हैं और जो पुरानी हैं कैसेटें हैं हमारी देवी से संबंधित हैं या देवताओं से संबंधित हैं चाहे शिव तंत्रम हो गणेश जी का हो या देवी से से नाम हो पीताम्बरा का हो या बंगला मुखी हवन हो या देवी स्त्रोत्र सब में इनका विवरण आ चुका है अब हम सब सर, सर्वप्रथम चतुर्थ योगिनी यानी कि चौसठ योगिनी की पूजा से पूर्व भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे उसके बाद फिर चौसठ योगिनी की पूजा की जाएगी तो स्वस्त जो गणेश जी का है इसका चूंकि हमारी हर सीडी और हर कैसे में उच्चारण आ चुका है इसलिए इसका हम या उच्चारण नहीं करेंगे तो जो पवित्रीकरण की क्रिया है ओम तो अपवित्र पवित्र वर्वावस्था यह इसमें पुंडरीकाक्षम से बाया शुचि ओम पुण्डरी ओम पुण्डरी काक्षरिकाक्ष इस प्रकार से पवित्रीकरण का कार्य कर यानी पवित्र हो जाए जल के छींटे स्वयं पर तथा आसपास सबोर फेंक देना चाहिए इसके बाद में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर स्वस्तन का पाठ करना चाहिए जो कि ओम मानो भद्रा कृतो इसको हम पहले उच्चारण कर चुके हैं इसलिए सीधे हम गणेश जी की पूजा पर आएंगे क्योंकि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करना अनिवार्य उसके उपरांत ही अन्य किसी देवी की या देवता की पूजा उपासना तो आदि की जाएगी शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरधय शांति वनस्पत शांतिर्श् देवा शांतिर् ब्रह्म शांति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामाशान्तिरेधि यतो यत्तः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ओ ओ, ओम श्रीमन महागणाधिपतिय नमः स्वाहा आहुति छोड़ते जाए गणेश जी की पूजा साथ चलती जाएगी तो मैं जो मंत्र उच्चारण कर रहा हूं उसमें जहां स्वाहा है वहां पे एक आहुति हवन कुंड में छोड़ दशांग धूप से करना चाहिए ये ओम श्रीमन स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायण नम स्वाहा उमा उम नम स्वाहा वाणी हिण निगर्भाभ्याम नम स्वाहा शची पुरराभ्याम नमः स्वाहा मातृपित्र चरण कमलभ्यो स्वाहा अब जिस देवता का कर रहे हैं उसे इष्ट देवता कहते हैं जिस भी देवता का आप कर रहे हैं उस देवता का नाम लें तो मैं इष्ट शब्द बोलूंगा आप उस देवता का नाम बोल दें इष्ट देवता कुल देवता भ्यो नमे स्वाहा ग्राम देवता भ्यो नम स्वाहा देवता भ्यो नमः स्वाहा स्थान देवता भ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमे स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणे भ्यो, भ्यो नमे स्वाहा ओम सिद्ध बुद्ध सहिता श्रीमन महागणाधिपतिये नमे स्वाहा इसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प ले लें और गणेश जी का और अंबिका गौरी का ध्यान करें मैं मंत्रोच्चारण कर रहा हूं इन मंत्रोच्चारण के उपरांत गणेश जी और जी की प्रतिमा पर उनको छोड़ना है सुमुखुशंत कपिलो गर्णक लंबोदर विक्टो विघ्न नाशो विनायक धूम्र के तुर्गणाध्यक्षचंद्रो गजानन द्वाद ना यह पटेक्षुण यादव विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्न स्तस्य न जाय थे शुक्लांबर धर्म देव शिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्याय सर विघ्नोप शांत अभीपितार्थसिद्यर्थम पूजि तो यह सुरासुरय सर्विघ्न हरस्तस्म गणाधिपति न मैं सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्रैंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदैव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव, विद्या देव तदेव लक्ष्मीपते ते अङ्ग्र्यूं स्मरामि लावैस्तेषां जयैस्तेषां कुतैस्तेषां पराजय येषामिन्दि वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः त्रश्रीबीजो भूतिर धरवानी तिरमतिर्मम अननया चिंतयंतो मामे यजना परुपस्ते तेषाम नित्या व्यक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यम स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमयम् नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वारंम कार्ये त्रैस्त्र भूवनेश्वरा न सिद्धिं ब्रह्मेशान् जनार्दनं विश्वेश ढूंडिम दंड दंड पाणीम चैरव बंदे का शी गंगामा भवानी कोटि वक्रतुंड महाकायूर कोट समु निर्विघ्न दें सर्व कार्यू सर्वदा ओम नमः अब हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प गणेश और अम्बिका पर चढ़ा दें इसके बाद में हाथ में जल अक्षत और द्रव्य यानी कुछ धन लेकर के संकल्प करना चाहिए संकल्प क्रियाओं इत्यादि के बाद में अब हम सीधे चौसठ योगिनी पूजा पर आते हैं और शेष क्रियाएं आप हमारी अन्य सीडी और कैसेटों में देखें सुने यज्ञादि अनुष्ठानों में चौसठ योगिनियों का विशेष पूजन प्राय पृथक वेदी में चक्र बनाकर किया जाता है परंतु साधारण पूजा में यहां पे थोड़ा सा स्मरण रखने की बात है कि जब हम तंत्र विशेष की किसी की पूजा करें या कोई विशेष तंत्र में पूजन चौसठ योगिनी का किया जा रहा हो तो चौसठ कोष्ठ अलग बनते हैं और साधारण में सोलह कोष्ठ जो रहते हैं षोडश मात्र का उसी में पूजन कर दिया जाता है तो बस थोड़ा सा भेद है यहां लेकिन योगिनी का पूजन हर पूजा में अनिवार्य है चाहे वो साधारण पूजा हो चाहे तंत्र की पूजा हो हाँ तो यज्ञाद अनुष्ठानों में चौसठ योगिनियों का विशेष पूजन प्राय पृथक वेदी में चक्र बनाकर करते हैं परंतु साधारण पूजा में प्राय षोड मात्र का मंडल पर ही चौसठ योगिनियों के आह्वान एवं पूजनादि की भी परंपरा रही है। अब बाएं हाथ से अक्षत लेकर दाहिने हाथ से छोड़ते हुए अब मैं जो मंत्र बोलूंगा उससे चौसठ योगनियों का आह्वान करना चाहिए और इनके बाद मैं स्वाहा लगाऊंगा और हर स्वाहा पर एक आहूति हर योगिनी के नाम से दी जानी चाहिए इसमें चौसठ योगिनिया चौसठों योगिनियों का नाम भी आएगा उनके नाम पर अक्षत और पुष्प भी छोड़े जाएंगे और उनके स्वाहा से यानी जब आप धूप निवेदन करेंगे हवन कुंड में तो उनके मंत्र से ही उसमें धूप निवेदन किया जाए तो ये चौसठ इसी में चौसठ योगिनियों के नाम छुपे हुए हैं चतुष्टियोगिनी पूजनाय प्रारंभम स्वाहा ओम महायोगाये नमः स्वाहा ओम सिद्ध योगाये नमः स्वाहा ॐ महेश्वर्यै नमः स्वाहा ॐ पिशाचिन्यै नमः स्वाहा ॐ डाकिन्यै नमः स्वाहा ॐ कालरात्र्यै नमः स्वाहा ॐ निशाचर्यै नमः स्वाहा ॐ कङ्काल्यै नमः स्वाहा

ॐ फटकार्यै नमः स्वाहा ॐ वीरभद्राय नमः स्वाहा ॐ धूम्राक्षै नमः स्वाहा ॐ नमः स्वाहा ॐ रक्ताक्षै नमः स्वाहा ॐ राक्षस्य नमः स्वाहा ओम घौराये नमः स्वाहा ओम विश्वरूपाय नमः स्वाहा ओम भयंकरये नमः स्वाहा ओम कामाख्यै नमः स्वाहा ओम उग्रचामुंडाय नमः स्वाहा ओम भीषणाय नमः स्वाहा ओम उम्त्रपुरांत का ये नमः स्वाहा, ओम वीर कोमारिका ये नमः स्वाहा, ओम चंडे ये नमः स्वाहा, ओम वारा ये नमः स्वाहा, ओम मुंडधारिणी ये नमः स्वाहा, ओम बैराब्ये ये नमः स्वाहा, ओम हस्तिन्ये नम स्वाहा ओम क्रोध दुर्मुख्य नमे स्वाहा ओम प्रेतवाई नम स्वाहा ओम कटवांग दीर्घ नमः स्वाहा ओम माल नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम ओस्थिन्ये नम स्वाहा, ओम ओ चक्रिण्य नम ओम स्वाहा्रहाय नमे स्वाहा ओम भुवनशर्य नमे स्वाहा ओम कंटकक्ये कंटक्यम स्वाहा ओम कारक्ये नमे स्वाहा, ओम शुभ्रा नमे स्वाहा क्रियाय नम स्वाह ओ दूत्य नम स्वाह नमः स्वाहा, नम स्वा नमः स्वाहा, स्वाह ओ नमः स्वाहा, स्वाह ओ शीराय स्वाहा, ओम ओसन्धा नमः स्वाहा, ओम प्रहारिण्ये नमः स्वाहा, ओम ओम लक्ष्मी नम स्वाहा, ओम कामुख्य नम स्वाहा, लोलाय नम नमः स्वाहा, का नम नमः स्वाहा, मधोमुख्यय नम नमः स्वाहा, दुर्जक्य नम नमः स्वाहा, मालिन्े नम नमः स्वाहा, ओ घोराय नम स्वाहा, ओम कपाल्ये नमः स्वाहा ओम विश्वभोजन्य नमः स्वाहा इस प्रकार से ये चौसठ योगिनिया हैं इनके नाम से उनका आह्वान और यज्ञ हवन करना चाहिए फिर आवाहयाम्य हम देवी योगिनी परमेश्वरी योगाभ्यासेन संतुष्टा परम ध्यान दिव्य कुंडल संकाशा समन्वता दिव्यकुंडल काशा दिव्यज्वालाोचना मूर्तिमति्यमूर्ता उग्रो प्ररूपिणी अनेक संयुक्ता संसाराणवताज्ञी कुरु निर्विघ्न श्रेय यक्ष मातर ओ चतुष्टिनीभ्यो नम अहम् अहम स्थापयामि पूजयामि च आवान के बाद पूर्वक जो मंत्र है इस मंत्र द्वारा गंधाज द्वारा उनका पूजन करना चाहिए ओम चतुष्टि योगिनी ब्यो नम और पूजन के बाद में हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहिए यज्ञ कुर्वन्तु निर्विघ्नम श्रेयो यक्षंतु मातर इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर के अनया पूजा चतुष्टि ये कहकर मंडल पर अक्षत छोड़ देना चाहिए इसके बाद में रक्षा विधान की परंपरा है तो रक्षा विधान के मंत्र पढ़ना चाहिए तो रक्षा विधान में जो मंत्र है उसका यहाँ उच्चारण हम नहीं करेंगे ये हमारी अन्य सीडी और कैसेटों में है कृपया उसमें उन्हें सुनना चाहिए ओम नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय